कांग्रेस ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के न्योते को ससम्मान अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं को 2 सप्ताह पहले कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला था। कांग्रेस ने इस पर काफी सोच विचार के बाद इसे लेकर कहा कि एक अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपने बयान में कहा, धर्म व्यक्ति का निजी मसला है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस लंबे वक्त से इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगे हैं। स्पष्ट है कि एक अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस मसले पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराना कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। खैर, आज हम बात करेंगे कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का इतिहास क्या है। तो नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द4thpillar.news। जानकारों का कहना है कि राम मंदिर के विषय पर कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से ही गलतियां की हैं, जिसके कारण इस मुद्दे पर पार्टी की स्थिति और नज़रिया लोगों के सामने कभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई। राशिद किदवई, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और NDTV ABP जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं, उन्होंने BBC से बात करते हुए बताया कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस में सभी तरह के गुट शामिल थे। इसमें दक्षिणपंथी और वामपंथी के अलावा मध्य पथ पर चलने वाले भी थे। इस दौरान जनसंघ से लेकर मुस्लिम लीग जैसे संगठन भी साथ थे। एक समय था जब कांग्रेस में दक्षिणपंथी लोग भी शामिल थे, इनकी तादाद भी काफ़ी बड़ी थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की वजह से सब बीच के रास्ते पर ही चलते थे। जब भारत में पहली बार चुनाव हुए तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आखिर चुनाव कौन लड़ता, लेकिन एक स्वामी जी थे जो बोलते नहीं थे, मौन थे। उन्होंने चुनाव लड़ा और वो भी गौ सेवा के मुद्दे को लेकर। स्वामी जी को 52,000 से 53,000 वोट मिले। वर्ष 1991 में कांग्रेस ने फैजाबाद से अयोध्या तक शांति मार्च भी निकाली थी। इस मार्च का नेतृत्व नवल किशोर शर्मा कर रहे थे। इस मार्च में करीब 1,000 लोग शामिल हुए, लेकिन इसके अगले दिन जब वहां पर विश्व हिंदू परिषद ने जुलूस निकाला तो लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। कांग्रेस पार्टी लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाई या समझकर भी इसकी अनदेखी करती रही। हालांकि मंदिर का ताला खुलवाने में राजीव गांधी ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन इस मुद्दे पर पार्टी की विचारधारा में कभी स्पष्टता नहीं दिखी। इसलिए अब कांग्रेस को न माया मिली न राम। जानकार बताते हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से पहले उनकी इच्छा थी कि राम मंदिर का ताला खुल जाए और वह इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती थी। हालांकि उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद राजीव गांधी के कार्यकाल में मंदिर का ताला खुला और इस समारोह का प्रसार भी हुआ। इससे पहले अक्टूबर 1989 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से विष्णु हरि डालमिया और अशोक सिंघल के बीच एक बैठक भी हुई थी। घटनाक्रम कुछ ऐसा चलता रहा कि राम मंदिर का ताला खुलवाने से लेकर वोटों के ध्रुवीकरण तक सारी की सारी खीर कांग्रेस की तैयार की हुई थी, लेकिन राजीव गांधी और नरसिम्हा राव जैसे नेताओं के बाद कांग्रेस का नेतृत्व किसी भी मुद्दे पर ठोस फैसला नहीं कर पाया और उसकी खीर भारतीय जनता पार्टी खा गई। बात उस समय की है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह और केंद्र में सरकार थी राजीव गांधी की। इन्हीं के शासन के दौरान सालों से बंद पड़े मंदिर के दरवाजे खोले गए थे। राजीव गांधी ने वीर बहादुर सिंह के साथ तालमेल कर मंदिर के ताले खुलवाए और जिसके बाद 9 नवंबर 1989 में अयोध्या में शिलान्यास हुआ। ऐसा नहीं था कि सब कुछ अचानक हुआ, बल्कि इन सब की शुरुआत काफी पहले से हो गई थी। साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कहने पर ही दूरदर्शन पर रामायण प्रसारण शुरू किया गया था। रामायण के उसी प्रसारण से राम मंदिर आंदोलन को ताकत मिली थी। राम नाम की राजनीति का एक कारण था। जब विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर मुद्दे के संबंध में सड़कों पर प्रदर्शन कर रही थी और चुनाव में यह मुद्दा बातचीत का केंद्र बन रहा था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तेजी से मंदिर के मुद्दे को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल कर लिया और राम नाम के प्रति देशभर में भक्ति की ऊर्जा को उत्कृष्ट किया। राजीव गांधी को सत्ता खोने का खौफ था, इसलिए उन्होंने 1989 में VHP को शिलान्यास करने की इजाज़त दे दी। 1 फरवरी 1986 को जिला न्यायाधीश KM पांडे ने महज एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी 1986 को दाखिल की गई एक अपील पर सुनवाई करते हुए तकरीबन 37 साल से बंद पड़ी बाबरी मस्जिद का गेट खुलवा दिया। माना जाता है कि राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद का ताला इसलिए खुलवाया था क्योंकि उन्होंने मुस्लिम तलाकशुदा महिला साहबानों के मामले को संसद से कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के गुजारा भत्ता पर दिए फैसले को उलट दिया था। इस पूरे मामले को कांग्रेस की राजनीतिक सौदेबाजी बताई जाती है। जानकार बताते हैं कि राजीव गांधी पर राम मंदिर का ताला खोलने को लेकर काफी दबाव था। अयोध्या से जुड़े मामलों पर बेहद करीबी नजर रखने वाले रामदत्त त्रिपाठी ने बताया कि शंकराचार्य स्वरूपानंद राम मंदिर मामले पर
किसी तरह के फैसले के लिए दबाव बना रहे थे और रामचंद्र परमहंस की आत्महत्या की धमकी माथे पर तलवार की तरह लटक रही थी। रामचंद्र परमहंस ने धमकी दी थी कि अगर अगले साल की रामनवमी तक जन्मस्थान का ताला न खोला गया तो वो आत्मदाह कर लेंगे। 28 जनवरी 1986 को फैजाबाद के एक स्थानीय वकील उमेश चंद्र ने अदालत में गेट खोलने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल कर दी, जिसे जज ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि केस से जुड़े सारे कागजात हाईकोर्ट में पड़े हैं, जिसे देखे बिना इस पर किसी तरह का फैसला लेना मुश्किल है। उमेश चंद्र ने इसके खिलाफ 31 जनवरी 1986 को जिला न्यायाधीश के सामने अपील कर दी और जज के एन पांडे ने अगले दिन ही फैसला सुना दिया। 1984 के चुनावों में आरएसएस के राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें मिली थी और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी सरीखे नेता चुनाव हार गए थे। कई जगहों पर छपे लेख में पूर्व जज के एम पांडे के हवाले से कहा गया है कि फैसले को लेकर उनके सामने कई संकेत उभरे थे, जिसमें उन्होंने उस दिन कोर्ट परिसर में मौजूद एक बंदर का भी जिक्र किया है। मगर यह भी रिकॉर्ड में दर्ज किया गया कि जिला जज के स्थानीय प्रशासन से कानून व्यवस्था को लेकर राय पूछी थी, जिस पर उन्हें आश्वस्त किया गया था कि ताला खोले जाने पर उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बाद में जज के एम पांडे ने अपने आत्मकथा में भी बंदर का जिक्र किया था। इस मुद्दे पर नजर रखने वालों का कहना था कि दशकों से अदालत में लंबित इस विवादित मामले में फैजाबाद प्रशासन अपने बलबूते इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता था जब तक कि ऊपर से ऑर्डर ना मिले। ऊपर से ऑर्डर का मतलब है सरकार की तरफ से। बता दें कि 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद में गैर कानूनी रूप से मूर्ति स्थापित करने के बाद उसका ताला बंद रखा गया था और यह मामला हाईकोर्ट में लंबित था। उस समय राजीव गांधी के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे और शाह बानो बिल का विरोध करने के कारण उस समय पार्टी के प्रगतिशील मुसलमान चेहरा बनकर उभरे आरिफ मोहम्मद खान ने मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण बिल को 25 फरवरी 1986 को संसद में पेश किए जाने के समय का जिक्र करते हुए अपने लेख में इस मामले में डील की बात का दावा किया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स में छपे लेख में कहा गया कि पीएम ने जनवरी 1986 के दूसरे सप्ताह में ऐलान कर दिया था कि पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड से इस बात पर सहमति बन गई है कि शीतकालीन सत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलटने वाला एक कानून पेश किया जाएगा। ये सेशन 5 फरवरी 1986 से शुरू हो रहा था। इस घोषणा को लेकर इस कदर विरोध हुआ कि सरकार शाहबानो मामले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किसी बैलेंसिंग एक्ट को लेकर सोचने में लगी थी और इस सिलसिले में अयोध्या सामने था, जहां केंद्र सरकार के हुक्म पर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने विवादित स्थल का ताला खुलवाने का इंतजाम किया। उस समय जब यह घटना एकमात्र टेलीविजन चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित हुई, तब इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण सवाल उठे। इस संदर्भ में कहा गया था कि ताला खुलने की घटना का तत्काल सरकारी माध्यमों पर प्रसारण किया जाना इसका मतलब है कि केंद्र सरकार को पूरी घटना की जानकारी पहले से थी। फैजाबाद जिला जज ने शाम 4:20 पर अपना निर्णय सुनाया और ठीक 40 मिनट के बाद यानी कि 5:01 पर ताला खोला गया। इस समय पर दूरदर्शन की पूरी टीम पहले से ही मौजूद थी, तैयार होकर उस घटना को फिल्म करने के लिए, जो शाम में समाचार में दिखाया भी गया था। जिला जज ने इस निर्णय के साथ ही सभी पक्षों को निर्णय की कॉपी प्रदान नहीं की और इसे सुनने के बाद उनके दफ्तर से बाबरी मस्जिद की दूरी तकरीबन 7 किलोमीटर तक है। इसके अलावा ताले की चाबी जिस सरकारी अधिकारी के पास थी उसको खबर तक नहीं पहुँचाई गई और ना ही उसके आने का इंतजार किया गया, बल्कि ताले को तोड़ दिया गया। बाद में कांग्रेस की सरकार ने जिला जज के निर्णय के खिलाफ ऊपरी अदालत में कोई चुनौती भी नहीं दी, जिसे लोगों को कांग्रेस की नीयत पर संदेह हुआ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।